नमस्कार। ब्राउनिया एल्बा होम्योपैथी विधा में ब्राउनिया एल्बा एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। यह औषधि शरीर के सभी सिरमी कलाओं तथा आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। यह औषधि सभी प्रकार के दर्द जैसे सुई की चुभन वाला दर्द, सर्जरी वाला दर्द, टीस करने वाला दर्द में लाभकारी होता है। इस तरह का दर्द शरीर में होने वाले किसी भी हरकत से बढ़ जाता है तथा आराम करने से दर्द में आराम मिल जाता है। सीने में चुभन सा होने वाला दर्द भी यह औषधि ठीक कर देता है। इसके अतिरिक्त रोगी में उत्पन्न होने वाले अन्य कई लक्षणों जैसे चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सिर में दर्द, सिर दबाने में दर्द, मुंह और होंठों का सूख जाना, प्यास अधिक लगना, जीभ का स्वाद कड़वा होना, पेट के ऊपर का आधा भाग पत्थर की तरह कठोर एवं संवेदनशील होना एवं खुश्की, कठोर सूखी खांसी तथा आम वाति दर्द और सूजन को भी दूर करता है। यह औषधि शरीर के दाएं भाग के लिए विशेष कारगर होती है। इसके साथ ही यह औषधि खासकर उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभप्रद होती है जिनमें बच्चे का गोद से ना उतरना, हमेशा रोते रहना, बच्चों में कमजोरी उत्पन्न होना आदि शामिल होता है। सर्दियों के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आने पर रोग में यदि तीव्रता बढ़ जाए तो ब्राउनिया ही उचित होती है, ब्राउनिया ही देना चाहिए। मानसिक लक्षणों से रोग की उत्पत्ति। ब्राउनिया में अनेक मानसिक लक्षण हैं। बच्चा क्रोध करता है और जो वस्तु मिल नहीं सकती उसे फौरन चाहता है और दिए जाने पर उसे अलग फेंक देता है। घर में होने पर भी कहता है कि मैं घर जाऊंगा। उसे ऐसा लगता है कि वह घर में नहीं है। बड़ा आदमी अपने रोजगार को लेकर अंटशंट बकता रहता है। रोगी बहुत अधिक चिड़चिड़ा होता है, हमेशा उदास रहता है एवं घर में रहने या घर जाना चाहता है, अपने ही विचारों में हमेशा उलझा रहता है। ब्राउनिया औषधि शरीर पर होने वाले विभिन्न रोगों में बहुत उपयोगी होती है जैसे अस्थमा, शराब की लत, बिलियस अटैक, ड्रॉप्सी, इंडाइजेशन, आंतों का बुखार, गैस्ट्राइटिस, मस्तिष्क विकार, कब्ज, ज्वर, सिर दर्द, हृदय रोग, खसरा, मेनिनजाइटिस, रूमेटिक या जोड़ संबंधी परेशानियों में, माहवारी, स्तन संबंधी विकार, साधारण एवं काली खांसी, नाक से रक्तस्राव, निमोनिया, फुफ्फुस के आवरण में शोथ, सांस की बीमारी, दांत का दर्द, चक्कर आना इत्यादि। ब्राउनिया का कार्य विशेषकर सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लीवर, फाइब्रस टिश्यूज, रेस्पिरेटरी सिस्टम एवं ब्रेन पर कार्य करता है। ब्राउनिया हमारे शरीर में खासकर दाहिने तरफ के अंगों पर अपना कार्य करता है। ब्राउनिया मरीज के शरीर की बनावट या कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा दुबला पतला, लंबे कद, काले बाल, सांवला रंग, दृढ़ मांसपेशियों वाला एवं स्वभाव से इरिटेटिंग यानी चिड़चिड़ा होता है और वह हॉट प्रकृति का होता है। मुख्य लक्षण। ब्राउनिया की शिकायतें प्रायः नाक से आरंभ होती हैं। पहले दिन छींकें, जुकाम, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँखों एवं सिर में दर्द होना, नाक की नोक में सूजन और उस सूजन को छूने से आभास होता है कि यह घाव बन जाएगा। अगले दिन तालू में, गले में, श्वास प्रणालिका में तकलीफ बढ़ जाती है। यदि इस प्रक्रिया को समय से नहीं रोका गया तो प्लूरेसी एवं न्यूमोनिया की शिकायत तक हो सकती है। जुकाम, खांसी, ज्वर आदि में ब्राउनिया की गति धीमी होती है, जैसे पहले दिन छींक आना, दूसरे दिन नाक बहना, तीसरे दिन बुखार आना इत्यादि में धीरे धीरे उसके लक्षणों में वृद्धि देखी जा सकती है। ब्राउनिया के रोग प्रायः कुछ दिन टिक कर रहते हैं। मुंह से संबंधित। होंठ खुश्क एवं कटे फटे होना, मुंह गला सूख गया हो जिसके कारण प्यास अधिक लग रही हो, जीभ पर पीले गहरे तथा कथई रंग की परत जम जाना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, धूम्रपान करने वाले लोगों के निचले होठों में जलन होना इत्यादि लक्षण देखे जा सकते हैं।
दांत का दर्द। दांत के दर्द में मुंह में ठंडे पानी से लाभ मिलता है, क्योंकि ब्राउनिया ठंडा पसंद करने वाली दवा है। जिधर दर्द हो उधर लेटने या दबाने से रोगी को आराम मिलता है। आँख से संबंधित, आँखों में दबाव महसूस होने के साथ कुचलन जैसा दर्द महसूस होना, ग्लूकोमा होना, आँखों को छूने या आँखों को घुमाने से दर्द होना आदि आँखों से संबंधित लक्षणों में ब्राउनिया ही प्रयोग करना चाहिए। गले से संबंधित, गले का सूखना, भोजन करने पर चुभन वाला दर्द होना तथा गले में खुरचा जैसा संकीर्ण जैसा महसूस होना, स्वरयंत्र और श्वास नली में ठोस कफ बनना जो अधिक खखारने के बाद ढीला होकर बाहर निकलता है, गर्म कमरे में जाने से रोग में वृद्धि होती है, ऐसे में ब्राउनिया बेस्ट होती है। सिर दर्द, सूर्योदय के साथ सिर में दर्द होना और सूर्यास्त के साथ सिर दर्द बंद हो जाना, जरा सी हरकत यहाँ तक कि पलक झपकने से भी सिर दर्द में वृद्धि होती है। सिर को ऊपर उठाने पर, प्रातः सोकर उठने पर जी मचलाता है व बेहोशी उत्पन्न होती है। अत्यधिक प्यास, खाने के तुरंत बाद ही पित्त एवं पानी की उल्टी होती है। खाने के बाद पेट को स्पर्श करने या दबाव डालने पर पत्थर सी कठोरता महसूस होती है। लीवर रीजन में सूजन एवं दर्द में जलन होती है। ब्राउनिया के रोगी में कभी कभी तकलीफ एवं दर्द इतना प्रबल हो जाता है कि वह चैन से लेट भी नहीं पाता, किंतु उठकर घूमना फिरना भी नहीं चाहता। रोगी का कभी कभी दिमाग कन्फ्यूज यानी भ्रमित हो जाता है। आमाशय से संबंधित, सोकर या बैठकर उठने पर जी मचलाना, बेहोशी छाना, भूख कम लगना, अधिक प्यास लगना, खाना खाने के बाद उल्टी होने के साथ पित्त व पानी निकलना, गर्म पेय पदार्थ पीने से रोग बढ़ जाने के साथ उल्टी हो जाना, आमाशय वाले स्थान को छूने पर दर्द होना, भोजन के बाद पेट में कठोरता आना, खांसने पर आमाशय में दर्द होना, गर्मी के मौसम में पाचन तंत्र खराब होना इत्यादि ब्राउनिया के लक्षण होते हैं। पेट संबंधी विकार, लीवर में सूजन के साथ दर्द, कठोरता, जलन के साथ चुभन वाला दर्द होना जो दबाने, खांसने तथा सांस लेने में बढ़ता है, पेट में होने वाला दर्द जो छूने से और बढ़ जाता है। इस तरह के लक्षण होने पर ब्राउनिया सटीक औषधि होती है। मल संबंधी, मल कठोर व सूख जाने के कारण मल का रुक जाना, मल का रंग कत्थई होना तथा मल की कठोरता की वजह से मल के साथ रक्त का आना, साथ ही हरकत से या गर्म मौसम या गर्म के बाद ठंडे पदार्थ का सेवन करने से रोग में वृद्धि आदि लक्षणों पर ब्राउनिया लगभग सुनिश्चित होती है। मूत्र संबंधी, पेशाब का रंग लाल, मठमैला होना तथा पेशाब गर्म व कम मात्रा में आना आदि ब्राउनिया के लक्षण होते हैं। त्वचा संबंधी, त्वचा का रंग पीला, फीका, सूजा हुआ, शोफ, गर्म और दर्द युक्त होना, त्वचा में रूसी की तरह पपड़ियां बनने तथा त्वचा के बाल अत्यधिक चिकने होने जैसे लक्षण होते हैं। नींद संबंधी, नींद ना आना तथा सोने पर अचानक चौंक कर उठ बैठना, मन हमेशा कारोबार या अन्य विचारों में उलझा रहना, नींद ना आने से थकान व आलस्य आदि लक्षणों पर ब्राउनिया देना चाहिए। ज्वर, ब्राउनिया लगभग सभी तरह के ज्वर के लिए महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है, यहाँ तक कि यह टाइफाइड ज्वर को भी नियंत्रित कर सकती है। गर्मी के मौसम में ठंडी लगने पर, सूखी एवं ठंडी हवा के बहने पर, गर्म होने पर ठंडा लेने के बाद इत्यादि कारणों से रोगी को धीरे धीरे ज्वर आता है। मरीज धीरे धीरे प्रलाप करता है और घर जाना चाहता है। उसे जीभ में सूखी सफ़ेद परत जम जाती है। उसकी पल्स पूर्ण, कठोर, तनावपूर्ण एवं तेज होती है। बुखार के समय तेज पसीना बहता है। बुखार के समय सूखी एवं कठोर खांसी आती है। उसके साथ सीने में दर्द होता है। मरीज सीने को पकड़कर जोर जोर से खांसता है। गठिया का रोग, घुटनों में जकड़न के साथ दर्द होता है, पैरों में गर्माहट के साथ सूजन, जोड़ लाल, गर्म एवं सूजन के जरा सी भी हरकत पर जबरदस्त दर्द। ब्राउनिया का रोगी ठंडी हवा पसंद करता है, ठंडा कपड़ा ओढ़ना चाहता है, परंतु गठिये के दर्द में अपनी प्रकृति के विरुद्ध उसे गर्मी से आराम मिलता है। यद्यपि ब्राउनिया में रोगी आराम से लेटे रहना चाहता है तो भी गठिये के रोग में वह चलने फिरने से ही ठीक रहता है, क्योंकि इस प्रकार उसके दुखते अंगों को गति से गर्मी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राउनिया में परस्पर विरुद्ध प्रकृतियाँ कार्य कर रही हैं।
एक और विशेष लक्षण देखिए, गठिया ठीक होने पर आँख में दर्द अगर शुरू हो जाए, आँख लाल हो, सूज गई हो, उसमें से रुधिर आने लगे, ऐसी परिस्थिति में ब्राउनिया एकमात्र औषधि है जो आपको ठीक कर सकती है। स्त्री रोग, स्त्रियों में मासिक अपने समय से बहुत पहले अधिक, पैरों में दर्द, सिर में दर्द एवं अजीब सा डिस्चार्ज के साथ होता है। ओवरी या अंडाशय में दर्द होता है, दाहिने अंडाशय में ऐसा भीषण दर्द होता है जैसे कि वह फट जाएगा और वह दर्द बढ़ता हुआ जांग तक जाता है। मासिक धर्म के समय दूध रुक जाने के कारण उत्पन्न होने वाला बुखार स्तनों में दर्द, हैवीनेस, कठोरता, गर्माहट, स्तन का फोड़ा इत्यादि हो सकता है। मासिक के आरंभ होने पर नाक या मुंह से रक्तस्राव भी ब्राउनिया का ही एक विशेष लक्षण है। मासिक के समय पहले या बाद में पाचन तंत्र खराब हो जाना, डिम्बाशय की जलन, एक से दूसरे मासिक के बीच दर्द होने के साथ पेट और वास्ति प्रदेश में अधिक तेज दर्द होना आदि स्त्री रोग के लक्षणों पर ब्राउनिया उपयोगी सिद्ध होती है। ब्राउनिया के एक प्रमुख लक्षणों से अवगत कराता हूँ। श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक झिल्ली के खुश्क होने के कारण रोगी के होंठ एवं नाक सूख जाते हैं, चटक जाते हैं और अक्सर उनमें से रक्तस्राव होने लगता है। यही वजह रोगी की आंत में भी देखने को मिलता है, जिससे रोगी को समय से मोशन नहीं होता और उसे कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। सूखा सख्त भुना हुआ सा मल निकलता है। मल को तर करने के लिए श्लेष्मा का नामो निशान नहीं रहता, जिसकी वजह से उसे कई कई दिनों तक मल नहीं होता है। श्लेष्मिक झिल्ली के खुश्की का असर फेफड़ों पर भी पड़ता है। खांसते खांसते रोगी का गला फटने सा लगता है पर कफ बाहर नहीं निकलता। इन्हीं परिस्थितियों के कारण रोगी को बहुत प्यास लगती है। वह अधिक समय के अंतराल में अधिक मात्रा में पानी पीता रहता है। श्वास संबंधी लक्षण, श्वास नली व स्वर यंत्र में दर्द पैदा होना, सांस के साथ आवाज भारी होना तथा खुली हवा में और तेज होना, सांस नली के ऊपरी भाग में उत्तेजना के कारण सूखी व कष्टकारी खांसी होना, रात को होने वाली सूखी खांसी जिसमें रोगी को खांसने के लिए उठकर बैठना पड़ता है, भोजन करने के बाद खांसी का बढ़ जाना और खांसते खांसते उल्टी होने के साथ छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, कफ गहरे लाल रंग का निकलता है, सांस लेने में परेशानी होती है तथा फेफड़े फैलने के कारण सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। निमोनिया के दौरान दाहिने फेफड़े का निचला भाग प्रभावित होने पर और खांसी आने पर मरीज सीने को पकड़कर जोर जोर से खांसता है, जिसकी वजह से रोगी के सीने में तेज दर्द होता है। मरीज की इच्छा होती है कि वह निरंतर गहरी सांस लेता रहे। निमोनिया के साथ अन्य परेशानियां जैसे कब्ज, गले का सूखना, भयंकर प्यास एवं मानसिक चिड़चिड़ापन इत्यादि मरीज में आसानी से देखा जा सकता है। जब जरा सी हरकत गर्म कमरे में प्रवेश करते ही रोग की तीव्रता में वृद्धि होती हो और आराम करने पर दर्द की तरफ लेटने से एवं दर्द वाले हिस्से में किसी भी प्रकार के दबाव देने से तकलीफ में आराम मिले, तो ऐसी परिस्थिति में निमोनिया के आरंभिक अवस्था के लिए ब्राउनिया लगभग इंडिकेटेड या एकमात्र महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। प्लूरसी, प्लूरसी के दर्द में रेस्ट करने एवं दर्द की तरफ लेटने से आराम मिलता है। यदि रोगी जरा सा भी हरकत करता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। प्लूरसी में ब्राउनिया इसलिए लाभ करता है क्योंकि फेफड़े के आवरण में जो शोथ हो जाता है वह सांस लेते हुए जब साथ के आवरण को छूती है तब इस छुअन से दर्द होता है, परंतु उस हिस्से को दबाए रखने से या छूना बंद हो जाता है और रोगी को आराम मिल जाता है। गर्म शरीर में शीत रोग, शरीर गर्म हो जाने पर ठंडा पानी पीने या उसमें स्नान से रोग बढ़ जाता है। यद्यपि ब्राउनिया के रोगी को ठंड पसंद है, ठंडा पानी उसे अच्छा लगता है, परंतु अगर वह गर्मी से आ रहा है, शरीर गर्म है, तब ठंडा पानी पीने या स्नान से उसे गठिये का दर्द बढ़ जाएगा। अगर उसे खांसी हो या सिर दर्द होता हो तो वह बढ़ जाएगा। पेट की शिकायत भी पैदा हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में ब्राउनिया ही लाभ करेगी। लक्षणों में वृद्धि या कमी, खाना खाने के बाद मानसिक तनाव एवं क्रोध, हरकत, स्पर्श, गर्मी का मौसम, गर्म कमरा, गर्म खाना या पीना एवं रात 9 बजे रोगी के लक्षणों में वृद्धि होती है। जबकि दर्द की तरफ लेटने या दबाव पड़ने
ठंडी हवा, ठंडा खाना या पीना, आराम करना एवं गठिया की सूजन में गर्म सेक से रोग के लक्षणों में कमी आती है। खुराक, ब्रायोनिया 1 से लेकर 12, 30 एवं 200 शक्ति की औषधि रोग की तीव्रता एवं मरीज की संवेदनशीलता के अनुरूप दिया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी दवाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी उम्र, लिंग एवं उनकी प्रतिरक्षा तंत्र और संवेदनशीलता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। जिनके अनुसार औषधियों में या उनकी शक्ति में और उनकी खुराक में परिवर्तन भी संभव होता है। अतः हमेशा अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही कोई भी औषधि का सेवन करें। धन्यवाद।